नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोहर आंजना डॉट को। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे सेगमेंट्स की जो कि आजकल रिटेल ट्रेडर्स को बहुत लुभा रहा है, और आज हम देखेंगे कॉल और पुट होता क्या है, बनता कैसे है, किससे उससे कीमत निकल जाती है, यानी कैलकुलेशन कैसे होता है, ट्रेड कैसे होता है, और उसके क्या क्या प्लस पॉइंट है उसमें और क्या क्या उसमें नेगेटिव पॉइंट्स है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो सीधा हम चलते हैं लाइव चार्ट्स पे। मैं आपको बता देता हूँ, ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो कि अभी चल रहा है 31,316 पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ये 31,300 का कॉल, ये जहाँ पर आप अभी कर्सर देख रहे हैं यहाँ लिखा है 31,300 कॉल, 100 रुपये की कीमत चल रही है। ठीक वैसा ही है यहाँ पर 31,300 का पुट। तो पहले तो हम समझ लेते हैं पुट क्या होता है और फिर हम समझते हैं कॉल क्या होता है या कॉल पुट क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पुट से। तो दोस्तों, व्यक्ति पुट जब खरीदता है, जब उसको लगता है कि बाजार या स्टॉक यहाँ से गिरने वाला है, ठीक है, जैसे अभी चल रहा है 320 पे, और मुझे ऐसा लग रहा है उदाहरण के लिए कि बाजार 31,300 के नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पर जो अभी 85 रुपये में पुट मिल रहा है 31,300 का, इसको 85 में मैं खरीद लूँगा। अब हम एक मिनट रास्ता देखते हैं क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है बाजार गिरेगा और हमने अगर पुट खरीद लिया है तो बाजार गिरता है तो हमारी कीमत बढ़ने लग जाएगी, और अगर हमारे व्यू के अगेंस्ट चले जाता है बाजार तो हमारे पुट की वैल्यू गिर जाएगी। तो लाइव ट्रेडिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई फोटोशॉप नहीं है दोस्तों और कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है। 31,320 पे हमने 85 में ख़रीदा है, 31,322 अभी चल रहा है यहाँ पर, देखिए दोस्तों, और ये हमारी बाइंग प्राइस है। मैं आपको दिखा रहा हूँ पुट के लिए 85 में हमने ख़रीद लिया क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार यहाँ से गिरेगा। जब भी मंदी करना हो, पुट अक्सर लोग मंदी करने के लिए ख़रीदते हैं, जब उनको लगता है कि बाजार इस लेवल के नीचे चले जाएगा तो वहाँ पर वो पुट खरीद लेते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं हमने 85 पे ख़रीदा है और 86-87 पे चल रहा है। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपने यहाँ पर 100 क्वांटिटी खरीद ली है या 5 लॉट खरीद लिए, जिससे कि जैसे 20 का ये लॉट है बैंक निफ्टी का, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, 200 रुपये मिल जाते हैं क्योंकि हमें 2 रुपये मिल रहे थे। वैसा ही हम अभी इसमें और देखेंगे, अब हमें 100 रुपये का इसमें लॉस हो रहा है, अब हमें 300 रुपये का लॉस हो रहा है। इस तरह से प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होता है, यानी कि आपको जो यहाँ पर वैल्यू दिख रही है, जैसे मान लो आपने 85 में ख़रीदा है, अब 83 दिख रही है, तो 2 रुपये का जो लॉस है, 2×20 यदि आपने एक लॉट ख़रीदा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक लॉट है, जैसे मान लो ये है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ या मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, जैसे मैं अभी आपको करके बताऊँगा कैसे होता है वो। हाँ, थोड़ा सा ये देखिए, बाय बैंक निफ्टी 2019 का नवंबर 21 तारीख है आज, 31,300 स्टॉप 20 यानी क्वांटिटी है, और ये खरीदने की कीमत बता रहा है, यानी कि 90 रुपये 40 पैसे में आपको खरीदना है। यदि हम यहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं तो ऑर्डर सीधा चला जाएगा हमारा, और ऐसा ही सेल का है, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा 84-85 पे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि हमने यदि 85 पे ख़रीदा होता तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा ही हम बात करेंगे कॉल की। नॉर्मल दोस्तों, कॉल तेज़ी करने के लिए ख़रीदा जाता है, यदि हमें लगता है, तब जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है उदाहरण के लिए कि अब बाज़ार ऊपर जाएगा, 330 के ऊपर चले जाएगा, तो मैं 104 रुपये में इसको ख़रीद लूँगा। ये यहाँ देखिए, 104 रुपये में मैं इसको ख़रीद लूँगा, यह है 31,300 की CE यानी कॉल, और यहाँ देखिए ये PE यानी पुट, तो हमने यहाँ पर 104 रुपये में इसको ख़रीद लिया है, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही लॉजिक है कि आपको 20 का जो लॉट है उसमें लॉट साइज़ में ट्रेड होता है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन लॉट में ही ट्रेडेबल है। यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बाय बैंक निफ्टी 21 नवंबर 2019 31,300 का कॉल है, 20 क्वांटिटी 107 रुपये पर बाई या सेल कर सकते हैं। अभी इसमें जो चल रहा है 101 रुपये की कीमत है, यानी कि हम अब इसमें लॉस कर रहे हैं,
क्योंकि हमारा भाई हमने 100 पे ख़रीदा था, अब 101 100 पे चल रहा है, तो यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही कीमत ऊपर नीचे होती रहती है और फाइनली जिस दिन एक्सपायरी के दिन, यानी कि आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है आज, आज जब बाज़ार बंद होगा, तो यदि बाज़ार 31,300 के ऊपर बंद होगा, जैसे मान लीजिए 31,400 पे बंद होगा, तो हमें 100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि 31,300 के हम पुट खरीदते हैं और 31,200 पे बंद होता है, तो इस 86 रुपये वाली कीमत का 100 रुपये कीमत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक मोटा मोटी रफ बता रहा हूँ मैं, हालांकि सेम टू सेम वही होगा ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत 1-2 रुपये 4 रुपये का वेरियंस होता रहता है। अब देखिए 320 पे हमने 85 में इसको पुट को ख़रीदा था, अब 89 हो गया है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हैं, क्योंकि आप 85 की चीज़ जब हम 90 में बेच रहे हैं और बाज़ार लगातार गिरावट दिखाया जा रहा है। दोस्तों इसी तरह से सीखने के लिए आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों हमारे द्वारा, हमारी टीम द्वारा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी, कम्युनिटी, सारे सेगमेंट्स में लाइव ट्रेडिंग दी जाती है, और हमारे पास प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए या ट्रेनिंग सेशन के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.manoharanjana.com पर जाकर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, यहाँ पर कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन हमने नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।